गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में अपना टॉपिक मानव संसाधन चल रहा था और मानव संसाधन में हमने लोगों ने जो पीछे का अध्ययन किया था वो क्या था कि हम लोगों ने जो जनसंख्या परिवर्तन के जो कारण है या कह सकते हैं जनसंख्या वृद्धि के जो कारण है वो कंप्लीट किए थे, जिसमें जन्म दर थी, मृत्यु दर थी, प्रवास था। आज का जो अपना बिंदु चलेगा वो चलेगा जनसंख्या संगठन, यानी जनसंख्या संगठन। आपकी जो किताब में दिया हुआ है वो ही बता रही हूँ मैं, जनसंख्या संगठन ही दिया हुआ है, ठन नहीं दिया, थे नहीं दिया हुआ है, यानी संगठन ही दिया हुआ है तो वो ही हम पढ़ेंगे, संगठन नहीं है। तो देखिए क्या है जनसंख्या संगठन, थोड़ी सी किताब की परिभाषा हम देख लेते हैं कि किसी देश की जनसंख्या कितनी होती है, यानी कौन से किसी भी देश में जनसंख्या कम है, जनसंख्या ज्यादा है, तो इससे उस देश की आर्थिक स्थिति पर फर्क पड़ेगा, तो पड़ेगा। यानी जनसंख्या ज्यादा है, अधिक है, तो उनके लिए संसाधन ज्यादा जरूरत पड़ेंगे, ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता होगी। आर्थिक व्यवस्था हो सकती है कि उस देश की थोड़ी चरमरा जाए, परंतु कभी कभी हमने ये भी देखा है कि जनसंख्या अधिक है लेकिन आर्थिक रूप से वो देश भी क्या है, विकसित है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो जनसंख्या है वो देश की आर्थिक दशा को व्यक्त नहीं कर सकती। अगर वहां पर मानव संसाधन पर्याप्त मात्रा में मौजूद है तो उस देश का आर्थिक विकास क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो एक तरफ तो ये कारण होता है कि जिस देश की जनसंख्या ज्यादा है वहां क्या है, आर्थिक स्तर वहां का नीचा रहेगा, लेकिन एक दूसरा दृष्टिकोण अगर हम देखते हैं कि जिस देश की जनसंख्या अधिक है आवश्यक नहीं आर्थिक रूप से वो देश पिछड़ा हुआ ही हो। क्यों? क्योंकि अगर उस देश में मानव संसाधन ज्यादा है, मानव पूंजी ज्यादा है, तो उस देश का आर्थिक विकास होगा ही होगा। जैसे चीन विकसित देशों की गिनती में आता है, जनसंख्या की दृष्टि से नंबर वन है, परंतु वहां मानव संसाधन अधिक है। इसी प्रकार हम जापान और बांग्लादेश की बात करते हैं, यानी दो देशों की बात करते हैं, बांग्लादेश और जापान, बांग्लादेश व जापान की बात करते हैं, तो ये दोनों ही देश घने बसे हैं, इन जनसंख्या अधिक है दोनों में। परंतु अगर हम देखते हैं तो जापान क्या है, बांग्लादेश की अपेक्षा ज्यादा विकसित है। क्यों? क्योंकि यहाँ मानव संसाधन अधिक है, लोगों का शिक्षा में, स्वास्थ्य में, तकनीकी में ज्यादा निवेश हुआ है। तो ये हम कह सकते हैं कि क्या किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो उस देश की आर्थिक विकास के स्तर में कुछ अंतर नहीं पड़ता। और ये अंतर कब नहीं पड़ता, जब उस देश की मानव संसाधन की गिनती अधिक हो। तो इस तरह से देखिए, एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें किन कौन से गुणों की आवश्यकता है, बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रश्न देखिए क्या है, एक संसाधन के रूप में, एक संसाधन के रूप में, संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए, लोगों की भूमिका को समझने के लिए किन गुणों की, किन गुणों की आवश्यकता होती है, किन गुणों की आवश्यकता होती है। देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है, क्या है कि एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए कि लोग एक संसाधन है, मानव पूंजी है, और उनकी भूमिका क्या है देश के अंतर्गत, उनका योगदान क्या है, इसके लिए हमें ये देखना होगा कि उस मानव संसाधन में किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं, और ये जो गुण है वो कौन कौन से हैं, आयु, फिर लिंग, स्त्री पुरुष, इसके बाद में आता है साक्षरता स्तर, इसके बाद में आता है स्वास्थ्य दशाओं,
स्वास्थ्य दशाओं व्यवसाय व्यवसाय व आय, ये सारे पॉइंट्स इसके अंतर्गत आते हैं कि एक संसाधन के रूप में लोगों की जो भूमिका है उसको समझने के लिए हमें कौन से गुणों की आवश्यकता होगी, कि जो संसाधन के रूप में लोग हैं वो कौन से आयु के हैं, वो कौन से लिंग के हैं, स्त्री है या पुरुष है, उनमें साक्षरता का स्तर क्या है यानी शिक्षित कितने हैं, उनका स्वास्थ्य स्तर कैसा है और उनका जो व्यवसाय है वो कौन सा है और आय कितनी है। ये सारे वो मापदंड है, वो गुण है जो मानव संसाधन की देश के विकास में भूमिका व्यक्त करते हैं। इसके साथ साथ इन लोगों की विशेषताओं को के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। अब देखिए, आपको एक मैं मैप दिखा रही हूं, आपकी किताब में टॉपिक्स दिए हुए हैं, क्या है 6.5 मानचित्र दिया हुआ है, विश्व की जनसंख्या वृद्धि की अलग अलग दरें दिखाई गई है इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आपके पैमाना दिया हुआ है, इसमें जो एकदम नीले रंग का है वहां पर क्या है, जनसंख्या वृद्धि की वास्तविक दर एकदम ऊपर है, फिर जहां पर ऑरेंज सा दिया हुआ है ये ब्राउन वहां उच्च है, यहाँ जहां पर ये रंग दिया हुआ है वहां आदर्श है, जहां पर येलो सा दिया हुआ है ये वहां पर निम्न है, और जहां पर बिल्कुल भी लाइट दिया हुआ वहां पर ह्रास है। ये तो पूरे विश्व में बताई हुई है, सभी महाद्वीपों में हमें ये बताया गया है कि जनसंख्या की जो वृद्धि की दर है वो किस प्रकार है। इसके साथ साथ यहाँ जनसंख्या संगठन दिया हुआ आपके, और जनसंख्या संगठन में देखिए कि एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए कौन कौन से गुणों की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, स्वास्थ्य स्तर, स्वास्थ्य दशाएं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को क्या करता है, दर्शाता है। अब यहाँ पर देखिए, प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए एक संभावित संसाधन है, यानी प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए एक संसाधन ही है। मानव संसाधन के रूप में उनका क्या योगदान होना चाहिए, जैसे मैं किसान हूँ तो ये, मैं घर की देखभाल करती हूँ तो ये गृहिणी होगी, मैं पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ, मैं विवाह में गीत गाता हूँ, मैं कैंसर उपचार के लिए शोध कर रही हूँ। तो एक तो ये जो कैंसर उपचार के लिए शोध कर रहा है, एक तो ये, और एक मैं सेतु बनाता हूँ, ये दोनों तो क्या है, मानव संसाधन है, और बाकी क्या है, संभाव्य संसाधनों की गिनती में आते हैं। अब यहाँ पर अभ्यास प्रश्नों में देखिए, ये तो आपको समझाने के लिए किया हुआ था, आगे जो प्रश्न है वो प्रश्न मैं करवा रही हूँ, आपके अभ्यास प्रश्नों में भी दिया हुआ है कि जनसंख्या संगठन क्या है। पहले तो हम अभ्यास प्रश्नों वाला एक प्रश्न यहाँ पर लिख लेते हैं और फिर उसको समझ लेते हैं कि हमें क्या पूछा गया है और हम इसका उत्तर क्या दे रहे हैं। तो प्रश्न देखिए क्या आता है, अभ्यास प्रश्नों में आपके प्रश्न दिया हुआ है कि जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है। चलिए इस टॉपिक को उठाते हैं, प्रश्न मान के चलते हैं, इसको एक मान लेते हैं, और प्रश्न है जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है। तो ये टॉपिक भी हो गया और प्रश्न भी हो गया, ये आपको नोटबुक में करना भी है। तो देखिए उत्तर क्या आएगा कि जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर देखिए, जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां की कितने पुरुष
पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं। स्त्रियां हैं वे किस आयु के हैं? वे किस आयु के हैं? कितने शिक्षित हैं? अभी हमने जो पढ़ा था ना, दो पॉइंट से देखे थे वो ही है सारे। कितने शिक्षित हैं? उनका स्वास्थ्य स्तर, उनका स्वास्थ्य स्तर कैसा है? तो ये सब क्या है? जनसंख्या संगठन है। बस अभी जो हमने टॉपिक किया था, अभी जो जनसंख्या संगठन के बारे में पीछे पढ़ा था, वो कि वो कहानी निकल कर आ रही है कि जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है। तो जनसंख्या संगठन से तात्पर्य ये है कि एक देश के अंतर्गत जो मानव संसाधन है, तो उन मानव संसाधनों की देश में भूमिका को समझने के लिए हमें कौन कौन से गुणों को समझने की आवश्यकता है कि उस जो मानव पूंजी है, जो मानव संसाधन बने हैं, उनमें कौन कौन से गुणों का होना आवश्यक है। तो देखिए, जनसंख्या संगठन हमारी ये जानने में मदद करता है कि एक देश में कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, यानी कितने स्त्री मानव संसाधन है और कितने पुरुष मानव संसाधन में हैं, और वे किस आयु के हैं, यानी कौन सी उनकी आयु है। तो मूल रूप से जो श्रम बल माना जाता है, यानी अगर हम श्रम करने की आयु मानते हैं, तो भारत में ये है 15 से 59 वर्ष तक है। तो ये देखा जाता है कि इस आयु वर्ग में कितने स्त्री पुरुष आते हैं, कितने शिक्षित हैं, उनकी शिक्षा का स्तर क्या है, उनका स्वास्थ्य का स्तर क्या है। तो इस तरह से ये सब क्या दर्शाता है? ये जनसंख्या संगठन को दर्शाता है। आपके अभ्यास प्रश्नों में ये दिया हुआ है जनसंख्या संगठन वाला, तो आपको उसका उत्तर ये ही लिखना है कि जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है। अब देखिए, आगे एक प्रश्न और बनता है कि जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की विधि क्या है। अगर हम प्रश्न दूसरे की बात करते हैं, तो प्रश्न दूसरा बनता है, जनसंख्या संगठन का पता कैसे लगा जाता है, अध्ययन कैसे किया जाता है। जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की विधि क्या है? प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों ही प्रश्न अभ्यास प्रश्नों में दिए हुए हैं। तो जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि है जनसंख्या पिरामिड। तो देखिए, अगला पॉइंट है जनसंख्या पिरामिड, यानी जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की जो विधि है वो कौन सी विधि है? वो विधि है जनसंख्या पिरामिड। अब ये जनसंख्या पिरामिड क्या है, इसके अंतर्गत किस किस को शामिल किया जाता है, ये जो सारी बातें हैं, ये आगे आने वाली कक्षाओं में आपको मैं कंप्लीट करवाऊंगी। एक तो आपको अभ्यास प्रश्नों के रूप में करना है, क्या जनसंख्या संगठन से आप से क्या समझते हैं, और इसके साथ साथ आपको दूसरा प्रश्न गृह कार्य के रूप में मैं दे रही हूं, वो देखिए, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक आप लोगों ने कर लिए हैं, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। गृह कार्य देखिए, एक तो ये करना है, और दूसरा जो प्रश्न है वो है लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है, समझा। आगे आने वाली कक्षा में आपको मैं जनसंख्या पिरामिड का पूरा अध्ययन करवाऊंगी। थैंक यू।